DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। मानव इतिहास रे प्रथम थर पृथ्वीरु 737 किलोमीटर उपरे महाकाश रे साधारण लोक करिले स्पेस वॉक। नमस्कार DTV ओडिया रो ए स्वतंत्र उपस्थापना को आपण समस्तंकु स्वागत। दर्शक बंधु, स्पेसएक्स पोलारिस डॉन मिशन नुआ कीर्तिमान स्थापन करिछि। प्रथम थर पृथ्वीरु 737 किलोमीटर उपरे महाकाश रे साधारण लोक स्पेस वॉक करिछंती। आपोलो मिशन रो 50 वर्ष परे एपरि करि इतिहास रचिछि। नूतन आडभान्स प्रेसराइज सुट रे मिशन कमांडर जारेड आइजाक म्यान स्पेस वॉक करिछंती। महाकाश यात्रींकर स्पेस रे एही ऐतिहासिक वॉक रो लाइव टेलीकास्ट करा जायथिला। स्पेस वॉक पई केवल 30 मिनिट समय धार्य करा जायथिला, किंतु एथिपई प्राय 2 घंटा समय लागिथिला। एही समय रे समस्तंकर स्पेस सूट जान सहित लागिकि रहिथिला। स्पेसएक्स रो एही मिशन रे कोनोसी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नथिले, अर्थात नासा एवं इसरो परि स्पेस एजेंसी रो पेशादार महाकाशचारी माने एही मिशन रे नाहंती। एही मिशन रे जणे व्यापारी, जणे फाइटर पायलट एवं 2 जण स्पेसएक्स कर्मचारी रहिथिले। पोलारिन डॉन मिशन रे 4 जण महाकाश को ड्रैगन क्रू कैप्सूल रे यात्रा करिछंती। एमानंकर कमांडर जारेड आइजाक म्यान, पायलट स्कॉट किड पोटिट, मिशन स्पेशलिस्ट सारा गिलिस एवं अन्ना मेनन। आइजाक म्यान जणे उद्योगी एवं से एही मिशन पई फंडिंग जोगाउछंती। पोटिट अमेरिका वायुसेनार पूर्वतन लेफ्टनेंट कर्नेल, गिलिस एवं मेनन स्पेसएक्स रो इंजीनियर्स। आइजाक म्यान एवं गिलिस प्रथम थर स्पेस वॉक करिछंती। एही समय रे ड्रैगन कैप्सूल रो उच्चता प्राय 737 किलोमीटर थिला। आपोलो परे एहा सबुठो उच्च क्रू मिशन अटे, कारण एही मिशन 1400 किलोमीटर उच्च जाय जायछि। पोटिट एवं मेनन प्रथम थर महाकाश यात्रा करिछंती। आइजाक म्यान 2021 सेप्टेम्बर रे होइथिबा इफ्सिरेसन 4 मिशन रे महाकाश यात्रा करिथिले। दर्शक बंधु, कही रखुचु अमेरिकीय महाकाश जान निर्माता कंपनी स्पेसएक्स रो पोलारिस डीन मिशन को गुरुवार दिन सफलता मिलिछि। प्रथम नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट भाबरे स्पेस वॉक करी अमेरिकीय उद्योगी तथा क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कंपनी शिप्स फॉर पेमेंट्स रो प्रतिष्ठाता जारेड आइजाक म्यान इतिहास रचिछंती। गत 50 वर्ष मध्यरे प्रथम व्यक्ति भाबरे से महाकाशर सर्वाधिक उच्चतारे स्पेस वॉक करिछंती। एपरि करि परिथिबा अल्प केते जण पेशादार महाकाशचारीक तालिका रे मध्य आइजाक म्यान शामिल होइछंती। गुरुवार दिन ड्रैगन कैप्सूल रो ह्याच खोलिबा परे आइजाक म्यान कर एही ऐतिहासिक स्पेस यात्रा आरंभ होइथिला। एहा पूर्वरु से कैप्सूल रो चाप कम हेबा पर्यंत अपेक्षा करि रहिथिले। योजना अनुजाई प्रथमे आइजाक म्यान कैप्सूल रु बाहर को आसीथिले। स्पेस वॉक करुथिबा समय रे से पिंधिथिबा नूतन स्पेस सूट ठीक भाबरे काम करुछि कि नाही ताहा सुनिश्चित करिबाकु पूरा समय तांकु तांकर हात किंबा गोड़ को कैप्सूल सहित संलग्न रखिबाकु पड़िथिला। 2 घंटा धरि तांकर एही स्पेस वॉक चलिथिला। आइजाक म्यान स्पेस वॉक आरंभ करिबार 15 मिनिट परे स्पेसएक्स रो स्पेस ऑपरेशन इंजीनियर तथा पोलारिस डॉन मिशन रो अन्यतम क्रू सदस्य सारहा गिल्स कैप्सूल बाहरी आइजाक म्यान को अनुसरण करिथिले। मंगलवार दिन नासार फ्लोरीडा स्थित केनेडी महाकाश केन्द्र पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च करा जायथिला। एहा परे स्पेसएक्स रो ड्रैगन कैप्सूल 4 जण नॉन प्रोफेशनल महाकाशचारी को पृथ्वी ठारु 1400 किलोमीटर उच्चतारे पहुंचाइथिला। स्पेसएक्स रो 4 क्रू सदस्य अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र 3 गुणा उच्चारे रविवार पर्यंत अतिवाहित करिवे। आइजाक म्यान स्पेस वॉक करिबा पूर्वरु मिशन ने थिबा समस्त 4 क्रू सदस्य महाकाशर शून्यतारु रक्षा पाइबा पई उद्दिष्ट स्पेस वॉकिंग सूट पिंधिथिले। जेतेबेले आइजाक म्यान ओ सारहा स्पेस वॉक करुथिले सेतेबेले मिशन रो अन्य 2 क्रू सदस्य पायलट स्कॉट पोटिट एवं स्पेसएक्स इंजीनियर अन्ना मेनन कैप्सूल मध्यरे निज आसनरे बसी रहिथिले। उभय आइजाक म्यान एवं सारहांक उपरे नजर रखिथिले। एही मिशन आरंभ हेबा पूर्वरु समस्त 4 क्रू सदस्यंकु स्पेसएक्स पक्षरु व्यापक प्रशिक्षण दिया जायथिला। तबे आइजाक म्यान को सफलता मिलिबा परे स्पेसएक्स मुख्य एलन मस्क
ପୋଲାରିସ୍ ଡନ୍ ମିଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶିଳ୍ପପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହାର ପୋଲାରିସ୍ ଡନ୍ ଅଭିଯାନରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାକାଶରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ଯାନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25,276 କିଲୋମିଟର ଥିବାବେଳେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲରୁ ବାହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ ଅଟେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ, ନବୋନ୍ମେଷୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଇଭା ସୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାକାଶଚାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲାରିସ୍ ଡନ୍ ମିଶନ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ମିଶନ କମାଣ୍ଡର ଜାରେଡ୍ ଇସାକମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମିଶନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସାରା ରିଲ୍ସ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପସୁଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସ୍ପେସ୍ୱାସ୍ ପରେ ଯାନର ଉପର ଭାଗକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 5 ଦିନର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଯେଉଁ କକ୍ଷକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାକୁ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା କୌଣସି ମହାକାଶଚାରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ 36 ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାକାଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଲିଙ୍କର ଲେଜର ବେସ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନର ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି ବ୍ରିଥ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ହଟାଯାଇଥିଲା। ମହାକାଶରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।